हाय डॉक्टर विमल, आई एम हेयर। सो वी आर वर्किंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस, और ये सीरीज़ का हमारा 23rd वीडियो है। हम पूरी सीरीज़ में लगातार बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। माइकल जे लॉजियर का काम है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने वो टूल्स एंड टेक्निक के बारे में बात करनी शुरू की थी लास्ट वीडियो में, कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे डाउट्स को कम करके मैनिफेस्टेशन को बढ़ा सकते हैं। तो अब जो मैं टूल बता रहा हूँ, पहले हमने पहला टूल बताया था प्रूफ का, कि आपकी लाइफ में कोई प्रूफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसको नोट करना है। और दूसरी बात है कि दूसरा टूल है कि उसको रिकॉर्ड करके एक डायरी मेंटेन करना है। दैट इज द सेकेंड वन। अभी हम बात करने वाले हैं अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, कि आप जब जीवन में चीज़ों की तारीफें करते हैं, चाहे आपका कोई दोस्त हो, कोई चीज़ हो, जिन चीज़ों से आपको अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी भावनाएं आती हैं, उनकी आप तारीफ करें। तो एक जर्नल बनाएं जिसमें आप चीज़ों की तारीफें करते हैं। तो आपको एक तो ये पता लगेगा कि आपको क्या पसंद है, वो अप्रिसिएशन जर्नल बनेगा। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, जिनके लिए आप ईश्वर का आभार व्यक्त करते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो, आभार देते हो, उनको आप एक जर्नल के अंदर लिखें। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं कि किन चीज़ों को आप प्यार करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, वो हो गया अप्रिसिएशन। और दूसरा, किस चीज़ के लिए आप ईश्वर का आभार देते हो कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर है। तो अब वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेकर घूमने की चीज़ों तक के बारे में आप लिख सकते हो। तो ये टूल नंबर 3 था जो हम अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी रखते हैं, और उनके बारे में अब हम जर्नल में लिखेंगे तो जानकारी को हम बना के रखेंगे। टूल नंबर 4 जो है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। जब आप ये मानेंगे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लोग बोलते हैं कि आप ऐसा बोलो, बट जब आप ये बोलते हो तो अंदर से आवाज़ आती है कि आपके पास नहीं है, फीलिंग इससे रिवर्स हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है आई एम इन द प्रोसेस ऑफ कि पैसा नहीं है, उस बात पे बात नहीं करनी, या पैसा है ऐसा नहीं मानना है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी, यानी कि आप काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है, ये एक सच है। आप मैनिफेस्टेशन करके ट्राई कर रहे हैं, अपना काम करके, मेहनत करके ट्राई कर रहे हैं, तो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी। वो कौन देगा आपको? यूनिवर्स देगा। वो जो डाउट आएगा कि कैसे आएगा, वो आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे। तो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी। तो धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंदर जब आपको विश्वास होगा, आप उस प्रोसेस में काम कर रहे हो, अच्छी वाइब्रेशन यूनिवर्स को दे रहे हो, तो आपको ज़्यादा वो मिलेगा। तो आप उसके बारे में बात करो, उसके बारे में लिखो, किसी कैलेंडर में रिमाइंडर पे लिखोगे। जितना ज़्यादा आप इस थॉट को अटेंशन देंगे, एनर्जी देंगे और फोकस देंगे, FEA, फोकस, एनर्जी एंड अटेंशन, उतना ज़्यादा वो आएगा। चाहे वो आपका आइडियल लाइफ पार्टनर हो, आइडियल रिलेशनशिप हो, आइडियल जॉब या बिजनेस हो, या आपकी आइडियल बॉडी हो। तो जितना ज़्यादा आप उसको, उस स्टेटमेंट को दोहराएंगे कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग माई आइडियल मेट, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग माई आइडियल जॉब, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग माई आइडियल बॉडी, उतना वो लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी। तो हम माइकल जे लॉजियर के काम पे बात कर रहे हैं। वीडियो नंबर 23 है, इससे पहले 22 वीडियोस हैं इस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और टिप्स एंड टेक्निक के साथ। सी यू।